हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए हम लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर हम दो क्लास में कम्प्लीट करेंगे, आज और कल की क्लास में विद क्वेश्चन ये चैप्टर हम कम्प्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इवन आपने PYQ सॉल्व किए होंगे या हमारे चैनल पर भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली कंटिन्यूअस वीडियोस मिल ही रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को, दैट इज एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से डिस्कशन करेंगे, जो कि बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हिस्ट्री से इसकी डिस्कशन करते हैं। तो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड। इंडियन फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम था महर्षि कन्नड। अब इंडियन फिलोसोफर थे तो इन्होंने मैटर को हिंदी में नाम दिया, जिसे हम सब जानते हैं, सब दैट इज पदार्थ। ठीक है, इन्होंने मैटर को, इंडियन फिलोसोफर थे तो हिंदी में नाम दिया, जिसे किस नाम से जानते हैं, पदार्थ। ठीक है, मैटर क्या है, दैट इज नोन एज पदार्थ। इज दैट क्लियर कि मैटर क्या है, पदार्थ। ठीक है, तो मैटर जो है जब हम इसे डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग मैटर तो हमें क्या मिलते हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल कि ऑन डिवाइडिंग मैटर वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। और बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कहा था कि मैटर किससे मिलके बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु। क्या नाम दिया था, परमाणु। इज दैट क्लियर। उसके बाद एक अनदर इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पखुड़ा कात्यायन। क्या नाम था, पखुड़ा कात्यायन। ठीक है, पखुड़ा कात्यायन भी एक इंडियन फिलोसोफर थे। पखुड़ा कात्यायन ये भी एक क्या थे, इंडियन फिलोसोफर। ठीक है, और पखुड़ा कात्यायन ने क्या सजेस्ट किया था, पखुड़ा कात्यायन ने कहा था कि ये जो पार्टिकल हैं, दीज पार्टिकल, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, जिन्हें क्या कहा गया था, परमाणु, कि ये जो पार्टिकल हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म। ये जो पार्टिकल है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, विच एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, और जहां से हमें मैटर की अलग अलग फॉर्म मिलती है। इज दैट क्लियर। सबसे पहले कौन आए थे, महर्षि कन्नड, उसके बाद पखुड़ा कात्यायन। ही सेड दैट कि दीज पार्टिकल, जिन्हें परमाणु कहा, ये एग्जिस्ट करते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म, विच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। उसके बाद अनदर फिलोसोफर थे जो ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ये थे ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने सजेस्ट किया था कि हम मैटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर फर्दर डिवाइड होना पॉसिबल नहीं होता, जहां पर फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। और इन्होंने उन्हें क्या नाम दे दिया था, इन्होंने उन्हें नाम दिया था इंडिविजिबल, जिसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एटम। इंडिविजिबल, दैट इज नोन एज एटम। तो एटम क्या है, दैट इज इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसे हम एटम कहते हैं। इंडिविजिबल मतलब जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपर। तो ये थी कुछ इसकी बेसिक सी हिस्ट्री, कुछ फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आया, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम दो लॉज पढ़ते हैं, पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो और मोर एलिमेंट का, जहां पर
नए कंपाउंड्स बनते हैं जो गवर्न होते हैं कुछ लॉज से, उसे हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो सबसे पहले एक सिंपल से डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। द सब्सटेंस विच कंबाइन टूगेदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2+O2, तो द सब्सटेंस विच कंबाइन टूगेदर, जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, या रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। अगर उनसे जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो भी नया सब्सटेंस बनता है, यहाँ क्या बनेगा, H2O, दैट इज वॉटर। तो ये क्या हुआ, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो हुआ प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो उस केस में अगर रिएक्टेंट का मास एक्स है तो प्रोडक्ट का मास भी क्या होगा, एक्स होगा। इट मींस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास रिएक्टेंट का है वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। Is that clear? Mass remains same. There is a no change in a mass during a chemical reaction. There is a no change in a mass during chemical reaction. ठीक है, there is a no change in mass during a chemical reactions. अगर reactant का mass suppose for example 4 है तो product का mass भी कितना होगा, 4 ही होगा। Total mass of reactant is equal to total mass of product. Example से understand करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था वाटर का, अब हम बात करेंगे किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, हीट करने पर ये फॉर्म कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है रिएक्टेंट है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो है वो गिवेन है, दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो क्या है, वो 100 ग्राम है। तो कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास में कोई चेंज नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको एग्जांपल से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास में कोई चेंज नहीं आता, ना मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। That is the law of conservation of mass. उसके बाद जो next law होता है, that is law of definite proportion. उसे ही हम क्या कहते हैं, known as law of constant proportion. Let's see.
तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया, वो किसने दिया था, वो Le Corbusier ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था प्राउस्ट ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्योर वाटर इज ऑलवेज 1:8। कि जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्योर वाटर का, वो क्या होता है, वो 1:8 ही होता है। चाहे हम पानी कहीं से भी ले लें, टैप वाटर ले लें, ठीक है, नदी का पानी ले लें, तालाब का पानी ले लें, जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। एलिमेंट भी जो होंगे वो कितने से बना है, H2O, तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस केस में जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना है, दैट इज 1:2। तो हाइड्रोजन का मास जो है वो कितना है, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 16। 2 1 2 2 8 16, तो इनका कितना आ गया, दैट इज 1:8। तो ये क्या रहेगा, दैट विल बी 1:8 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो लॉ है ये कहता है वॉट एवर द सोर्सेज ऑब्टेन, कि हमें किसी भी सोर्स से मिल रहा है, कैसे भी प्रिपेयर हो रहा है, कोई भी मेथड उसे प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जो एक प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा किससे मिलके बना होगा, इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट इज द सेम मास परसेंटेज। इज दैट क्लियर? कुछ भी सोर्स हो, कैसे भी प्रिपेयर किया गया हो, एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो है वो सेम एलिमेंट और सेम मास परसेंट से मिलके बना हुआ होगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन गिवन है आपको, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन जो पाया गया है, वॉज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेट करना है द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन टर्म्स क्या क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन टर्म्स। ठीक है, तो मास ऑफ बोरोन, मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड दैट विल बी कितना है, 0.096 ग्राम। मास ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है, सैंपल ऑफ कंपाउंड दैट इज 0.24 ग्राम। अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो किसका सबसे पहले हम निकालेंगे, किसका, बोरोन का निकालेंगे, उसके बाद किसका निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ बोरोन इन कंपाउंड इक्वल टू मास ऑफ बोरोन, मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, ये है 0.096 अपॉन 0.24 ग्राम इनटू 100। हमें परसेंट में निकालना है, तो इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 40%। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है ऑक्सीजन का। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, तो ऑक्सीजन का मास कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड दैट गिवन है ये आपको 0.144 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड गिवन है, मास ऑफ कंपाउंड गिवन है ये है 0.24 ग्राम। ठीक है, सेम यूज करेंगे, बोरोन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.144 ग्राम अपॉन 0.24 ग्राम इनटू 100, और इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 60%। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, दैट विल बी 60%। इज दैट क्लियर? तो जो मास ऑफ, सॉरी, जो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है, वो 60% है। जो परसेंट ऑफ बोरोन है वो कितना है, 40% है। तो बोरोन कितना है, 40%, और ऑक्सीजन कितना है, 60%। ये हमने निकाल दिया, ठीक है, 40% और ऑक्सीजन है 60%। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकंड है, सोडियम
कार्बोनेट रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ, इसके साथ इथेनोइक एसिड के साथ फॉर्म करता है सोडियम इथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, उससे पहले एज वी ऑल नो कि सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड ये दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है, और ये तीनों क्या है, ये तीनों प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो 5.3 ग्राम क्या है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ये मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का, दैट विल बी 5.3 ग्राम। ठीक है, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड का मास 6 ग्राम। ठीक है, टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सीड सोडियम इथोनेट, ये क्या फॉर्म करा 8.2 ग्राम ऑफ सीड सोडियम इथोनेट प्लस 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। सो दैट दिस डेटा वेरीफाई, बताना है कि ये जो डेटा है ये वेरीफाई कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैं फिर से शॉर्ट में लिखूंगी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो उस केस में 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम और इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11. दैट इज कैलकुलेट करके ये जो आंसर आएगा ये आएगा 11.3 ग्राम। ठीक है, 11.3 ग्राम और इन्हें कैलकुलेट करें अगर 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 तो ये भी आ जाएगा 11.3 ग्राम। तो दोनों क्या हो गया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये किस, ये डेटा जो वेरीफाई कर रहा है ये क्या कर रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास में कोई चेंज नहीं आया, दोनों का मास क्या है सेम है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज कम्प्लीटली, 10 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है और 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो उस केस में हमें मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा और विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, कौन सा लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का जो हमें इस प्रॉब्लम में दिख रहा है। तो सिंपल दिख रहा है कौन सा लॉ है, यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स गिवन है, लेट्स सी। तो हमें इन्होंने कहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब 10 ग्राम क्या गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना गिवन है, ये है 10 ग्राम। ठीक है, वही क्या फॉर्म हुआ, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 5.6 ग्राम। हमें किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मास, क्या फाइंड करना है, मास, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। तो फाइंड कर लो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 10 ग्राम माइनस 5.6 ग्राम, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 4.4 ग्राम। कितना आएगा ये कैलकुलेट करके, जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी 4.4 ग्राम, की जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना है 4.4 ग्राम। इज दैट क्लियर, 4.4 ग्राम। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो अभी हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझा, उसके दोनों लॉज पढ़े और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। आफ्टर दैट उसके बाद जो आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। कब दी थी, इन 1808 में जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी। ठीक है, एज वी ऑल नो ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बने हैं, जो मैटर है वो चार छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिन्हें हम कहते हैं एटम्स और उसी को हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी 1808 में दी थी और ये जो थ्योरी थी ये किस लॉ के ऊपर बेसिस थी, तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे थी और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने दो लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ टैपिनाइट।
प्रोपोर्शन। तो आइए अब इसके पोस्टुलेट देख लेते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक बेसिक थ्योरी थी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जितने भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, वो सब किससे मिलके बने हैं? वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज एट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए भी हैं और इवन आने के चांसेस भी हैं, ठीक है? तो ध्यान से स्टडी करने हैं। सबसे पहले इसकी पोस्टुलेट पढ़ेंगे। जब तक ये थ्योरी आई थी अपने टाइम पे ये थ्योरी अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं इस थ्योरी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, ठीक है? एटम्स क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल जिसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है? और अब विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की जो कि विच कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, की जो एटम्स है गिवन एलिमेंट का, उसका मास जो होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटम्स है, जो अलग अलग एलिमेंट्स है, उनका मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, ठीक है? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं किस रेशियो में, रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, और क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स, और रिलेटिव नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक है? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट बात करें इसकी ड्रॉबैक की, तो सबसे पहला इन्होंने पॉइंट कहा था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब इंडिविजिबल मतलब जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट आज के टाइम में वी नो दैट कि जो एटम्स है, वी नो दैट कि जो एटम्स है उसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, उनका मास भी क्या होता है, सेम होता है। बट ऐसा नहीं है, क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की मैं बात करूं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये एलिमेंट तो क्या है, सेम है। क्या इनका मास सेम है? इनका मास सेम नहीं, और जिनका मास सेम नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप। के एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो दैट इज, ये भी क्या था, इनका ड्रॉबैक था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, की जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। बट ऐसा नहीं होता, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो भी सेम होता है, वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये थे किसके ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है? हमने पोस्टुलेट पढ़े तो हमें इसके ड्रॉबैक भी पता होने जरूरी है। तो ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, एटम्स की, उसका साइज, मास और सिंबल। तो डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एटम, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एटम की। एज वी ऑल नो, जो एटम है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एज वी ऑल नो, जो एटम का साइज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, की जो एटम का साइज होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। और जो साइज ऑफ एटम है उसे हम इस इंडिकेट किसके थ्रू करते हैं, रेडियस के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो जो साइज होता है, द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेट, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेट बाय इट्स रेडियस, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, ठीक है? द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इज दैट क्लियर? जिसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस को जो मेजर्ड करते हैं, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, ठीक है? एटॉमिक रेडियस
एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस को किसमें मेजर करते हैं? मेजर करते हैं किसमें? नैनोमीटर्स में। ठीक है, जिसका सिंबल होता है NM। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को किसमें मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। और विच इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। नैनोमीटर क्या है? बहुत छोटी यूनिट है। विच इज मेजरिंग वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ विच इज मेजरिंग वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ठीक है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो एटॉमिक रेडियस को हम मेजर किस में करते हैं? वो करते हैं नैनोमीटर में। तो एज वी ऑल नो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10^9 meter। इज दैट क्लियर? कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10^9 meter। और इसे और कैसे लिख सकते हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 meter। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। ठीक है, तो एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अबाउट 1 million एटम्स स्टैक अप वन ओवर द अदर वाउंड रफली इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर। तो हमने अभी देखा था कि एटम दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर इसके इक्वल होता है 1/10^9 meter। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 meter। इज दैट क्लियर? दैट इज द एटॉमिक रेडियस जिसे हम मेजर करते हैं। आफ्टर दैट हमने एटम्स पढ़ लिया, उसे मेजर कैसे करते हैं? तो मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? डेल्टन की। जो डेल्टन थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स को यूज किया था फॉर एलिमेंट। ठीक है, डेल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल को यूज किया था फॉर एलिमेंट। तो उन्होंने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया था? उन्होंने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का यूज किया था, जैसे हाइड्रोजन का था, ठीक है, कार्बन का था, ऑक्सीजन का। मतलब इन्होंने क्या किया? बेसिकली सर्कल्स को यूज किया। बट इन्हें स्टडी कर पाना थोड़ा इनकन्वीनियंट था, डिफिकल्ट था। तो उसके पास बर्जेलियस थे जिन्होंने सजेस्ट किया सिंबल ऑफ द एलिमेंट जो किससे मिलके बने हैं? एक या दो लेटर से ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H और हीलियम का भी सिंबल H, बट दोनों का तो सेम हो गया। तो इन्होंने क्या किया? इसका दूसरा ले लिया, दैट इज HE। तो हाइड्रोजन को गया H और हीलियम का हो गया HE। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बर्जेलियन सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट कैन बी मेड फ्रॉम 1 or 2 letters ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, वी यूज नेम्स एंड सिंबल्स आर स्टेटेड बाई IUPAC, IUPSC भी बोल देता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ सिंबल ऐसे थे जो कहां से थे? मैनी सिंबल्स आर द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट टू लेटर। जैसे हीलियम का क्या था? फर्स्ट टू लेटर से था नेम ऑफ द एलिमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं, बाकी से भी हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन तो सी है और एच नहीं है, एल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ही था, तो बाकी भी हम ले सकते थे। तो मैनी सिंबल्स, कुछ सिंबल्स ऐसे थे जो मोस्टली फर्स्ट लेटर से ही थे और फर्स्ट टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, बाकी इंटरेस्टिंग चीजें भी देख लेते हैं। पहले भी हमने देखा कार्बन सी, ठीक है, नाइट्रोजन एन। अब ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? जो फर्स्ट वर्ड से लिए गए हैं, कैल्शियम सी ए, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से एल्यूमिनियम ए एल। उसके बाद सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म बाय फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयर लेटर इन द नेम। कि कुछ तत्वों के प्रतीक नाम के पहले अक्षर और बाद के नाम में दिखाई देने वाले अक्षर से बनते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो फर्स्ट से ही है, कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट और सेकंड से हैं। और सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, जो बाद में भी आता है उससे भी लिया गया है। जैसे क्लोरीन का भी एग्जाम्पल दिया था, एंड आफ्टर दैट मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम दैट इज एम ए नहीं है, जी है। ठीक है, तो दैट इज मैग्नीशियम। आफ्टर दैट, ठीक है, अभी हमने देख लिया फर्स्ट वाला भी और सेकेंड भी और उसके बाद बाकी लेटर भी। ठीक है, उसके बाद आता है द सिंबल फॉर सम एलिमेंट वर डिराइव फ्रॉम लेटिन, जर्मन और ग्रीक। ठीक है, कि कुछ सिंबल ऐसे भी थे, कुछ एलिमेंट्स थे जो किससे डिराइव हुए थे? लेटिन से, ग्रीक नेम से और जर्मन से। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करूं, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। ये इसके किस नेम से ड्राइव हुआ है?
लेटेंट से, ठीक है, लेटेंट नेम से. लेट्स सी, ये इंग्लिश नेम है एलिमेंट के, ये उनके लेटेंट नेम है और ये उनके सिंबल है. इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए. सोडियम जो उसका लेटेंट नेम है नेट्रियम, यहीं से इसका सिंबल लिया गया, दैट इज सोडियम. ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का जो लेटेंट नेम है एलिमेंट का वो है केलियम, जिसका सिंबल है के. ठीक है, आफ्टर दैट आयरन, आयरन का है फेरम, एफ ई. ठीक है, कॉपर का है क्यूप्रम, सी यू. सिल्वर का है एर्गेंटम, ए जी. तो ये कुछ इंग्लिश नेम है, ये उनके लेटिन नेम है और ये उनके सिंबल हैं, जहां से वो सिंबल लिए गए और कहां से उनके लेटिन नेम ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, आफ्टर दैट मॉडर्न सिंबल. तो मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट ये डिराइव होता है इंग्लिश लेटिन नेम से, जो मिलके किससे बने, फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर से, या फिर फर्स्ट एंड लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका कोई लेटेंट नेम नहीं है, जैसे आयरन का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, टंगस्टन का है, लिथियम का नहीं है. तो ये एक टेबल है जिसमें नेम ऑफ द एलिमेंट है, कुछ सिंबल है और उनके लेटेंट नेम भी हैं. आई होप आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होगी, लर्न होनी भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. तो हाइड्रोजन, ये कुछ सिंबल्स हैं, हीलियम का एच, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. तो ये सब उनके क्या है, ये सारे एलिमेंट है और ये उनके सिंबल्स हैं. तो आई होप आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न होगी और आपको सिंबल्स भी याद होंगे, क्योंकि आपसे तो आपके एग्जाम में तो डी और एफ ब्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आपको आई होप सारे सिंबल्स और पीरियोडिक टेबल्स याद होंगी. उसके बाद ये कुछ सिग्निफिकेंस है, ये बेसिक सी चीज है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या सिग्निफाई करता है, एलिमेंट के नेम को एंड एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया, आज की क्लास में हमने थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट किया था. ठीक है, उसके बाद हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े विद क्वेश्चंस किए, उसके बाद हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी. ठीक है, एटम्स देखा, कैसे मेजर करते हैं वो देखा, उसके बाद हमने सिंबल्स के बारे में स्टडी किया. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में हम इसका एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या है, ठीक है, वॉल कॉन्सेप्ट जो उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में इतना ही. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. आपका कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज हम कंटिन्यूसली करेंगे, तो ठीक है, आपको एक दो दिन में क्वेश्चन भी मिलेंगे. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.